करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी जो हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन है, तो हमारे पास जो स्टॉक है राइट नाउ, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक बेहतर स्पोर्ट की तरफ इसको कैसे लेके जाएंगे? सॉल्यूशन सोसाइटी के लिए क्या है, क्योंकि अभी सोसाइटी आप जैसे इतने साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक अभी भी, मैं आपके कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, आदमी अपनी अपनी मर्जी आके अपनी चला रहे होते, नीचे जो मर्जी हो लिख रहे होते। लोगों को अभी भी जो है समझ नहीं है प्योर ब्रीड्स के बारे में। वो समझते हैं कि उनके हाथ में जो स्टॉक है या उनके अराउंड जो स्टॉक है या किसी उस्ताद के पास है, वो प्योरिटी में है। वो लोग मुरक्कब या अपना मुशक्कल को समझते हैं कि वो प्योर है। तो अभी इस माइंडसेट को हम प्योरिटी की तरफ लाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब के लिए क्या सोल्यूशन निकल सकता है टाइम बीइंग के लिए? लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जैसा आपका भी देखते हैं, ये भी देखेंगे, तो जब लोगों को आप एक मैसेज देना चाहते हैं, तो सोल्यूशन क्या निकल सकता है इसका, कि बेहतर देखिए कैसे करें इसका कबूतर को? बिल्कुल इसका सलूशन बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ हम बहुत से दूसरी वीडियोस हमारे एवं बनाती है जो समझ पा रहे हैं जिनको अवेयरनेस आ रही है एटलीस्ट उनका ये फर्ज बनता है कि वो दूसरों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पहले तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाए। अवाम को हर बंदा ये बताए कि जी नस्ल की पहचान ना आँख के रंग से है ना बॉडी कलर से है। ये जो कलर मार्किंग्स या जो सफेद आ गया नहीं आया ये कांटों वाली ब्रीड और फलानी ब्रीड ये जहालत खत्म होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्योर इग्नोरेंस है क्योंकि सेम कलर जो उनसे आपको दूसरी बेतहाशा नस्लों में नजर आ जाते हैं सही तो बात फिर है, नस्ल की पहचान कहाँ गई रंग की बुनियाद पर। तो ये सबसे जो बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है ना इसको दूर करने की जरूरत है। इसके साथ साथ जब लोगों को समझ आनी शुरू होगी कि बॉडी स्ट्रक्चर और फ्लाइंग स्टाइल की क्या इंपॉर्टेंस है नस्लों की पहचान में तब लोग अपने जो पास अवेलेबल स्टॉक है ना उसमें से जी अपनी पहचान को अपनी पसंद के मुताबिक मतलब उसमें आगे लेकर आएंगे। यानी जिनको फैंसी ब्रीड्स का शौक है या एक्रोबैटिक ब्रीड्स का शौक है तेज परी नेचर की वो रखेंगे। जिनको एंड्योरेंस फ्लाइंग ब्रीड्स का शौक है वो रख लेंगे। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको समझ आनी चाहिए। समझ उनको कैसे आएगी जब उनको पता चलेगा कि जी बॉडी स्ट्रक्चर और फ्लाइंग स्टाइल का क्या कॉम्बिनेशन किस नस्ल में किस तरह से है। जैसे सहारनपुरी है तो उसकी नेचर क्या है वो किस तरीके से पर चलाता है और अगर इराकी टिपलर है तो इराकी टिपलर की नेचर क्या है उसका फ्लाइंग स्टाइल क्या है उसके पर चलाने का अंदाज क्या है। जी इन चीजों पे गौर करने की जरूरत है। इन चीजों पे हमारे पहले एम्फेसिस नहीं रहा लेकिन जैसे जैसे हम दूसरे चैनल्स भी आ रहे हैं मैंने देखा है बहुत से लोग जो उनसे जी जी हमारी कॉज को आगे लेकर भी चल रहे हैं तो उनके आने से सोसाइटी में ग्रेजुअली अवेयरनेस आनी शुरू हुई है। बाहर से नस्लें इम्पोर्ट होनी शुरू हुई हैं। जहाँ जी बहुत सी फैंसी ब्रीड्स यहाँ पे इम्पोर्ट होती हैं इंडो पाक में वहीं पे उड़ान वाली स्टैंडर्ड नस्लें आएंगी लोग अपनी पसंद की नस्लें रख लेंगे। दैट्स द परफेक्ट सोल्यूशन क्योंकि आपके पास जो मिक्स नेचर का स्टॉक है ना यू नेवर नो कि वो बैक एंड पे कितना मिक्स हुआ हुआ बिल्कुल तो सही बात उसके ऊपर ब्रीडिंग की एफर्ट करना वेस्ट ऑफ टाइम है वेस्ट ऑफ है। एफर्ट सिंपल। उसमें से आप अपनी पसंद की ब्रीड्स से मिलती जुलती झलक वाली जैसे अगर हम कहें कि जी हमें एक स्टॉक मिला उसमें से दो कबूतर इराकी टिपलर के स्ट्रक्चर के और हमें उनकी फ्लाइंग स्टाइल और स्ट्रक्चर पसंद है हम उनको ले जी भी आते हैं। आगे ब्रीडिंग में वो एग्जैक्ट अपना स्ट्रक्चर नहीं प्रोड्यूस कर पाते नहीं करते या 10 में से कोई एक बच्चा बनाते हैं उस टाइप का जी और वो जी भी उस तरह से परफॉर्म नहीं करता तो फिर वो एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस आ जाता है जी हमें वो तुक्के एलिमिनेशन वाली बात करते आ करते, जाती है। एलिमिनेट करते 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 एग्जैक्टली करते लास्ट में जाके आपको एक एंड रिजल्ट आता है। 10 ब्रीड अगर आप क्लच लेंगे, तो एक क्लच में आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट आता है, बाकी पूरा आपको फिर हटाना पड़ता है। तो ये सिस्टम है जी। तो इतना तो किसी के पास भी टाइम नहीं आज की डेट में नहीं, नहीं है, तो नहीं है। अगर ना ही वो कोई इतनी फुल एफर्ट कर टाइम सकता अपना है। वक्त बस कबूतर बेचने या उड़ाने में लगाए तो अलग बात है, लेकिन काम करते करते या जो प्रोफेशनल्स हैं या लोग जो बस इसको एज अ स्पोर्ट, एज अ शौक देखना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो 5 6 साल लगा दे बस एक स्टॉक रेडी करने के लिए। तो अब आई देखे ना थिंक जी जी इंग्लिश टिपलर्स की किट जो सी है उड़ाई जाती है जी वो रख उड़ान 7 की या 3 की जी वो उड़ाने वालों ने 40 50 कबूतरों से ज्यादा नहीं रखे होते। बस यहाँ पे 7 कबूतर उड़ाने होते हैं हजार हजार कबूतर रखा होता है 200 200 कबूतर का पल्ला मारा जा रहा होता है। मैं सवाल उठाता हूँ उस अच्छे कबूतर की पहचान और उस नाम ने हदोसाधी चगिर्दी
कल्चर की समझ के ऊपर कि जी इन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि 200 कबूतर जाया करके उसमें से 7 कबूतर लगाते हैं ये। निकालते हैं। जब कोई आपको पता है कि एक जोड़े के बच्चे उड़ रहे हैं, उसी जोड़े के आप साल भर में अगर ब्रीड भी लेते हैं, महीने के दो बच्चे के हिसाब से आपके 24 रेडी होते हैं। उसमें आप मोर्टेलिटी लगा लीजिए अराउंड 10-20% भी लगा लीजिए, आपके करीब करीब 16 बच्चे तो रेडी हो गए, जिसमें से आपको उड़ाने हैं 7। देखे सैकड़ों की तादाद में इन्होंने जोड़े रखे होते हैं, दो दो सौ तीन तीन सौ जोड़ा है, हजार हजार बच्चे आ रहे हैं जी। अब वो उन बच्चों को सवाल ही पैदा होता है, क्या वो हजार के सहारे उनके पास रुड़े होते हैं? ये जाया होने की रेशियो जो उनसे जी है, बहुत स्टैंडर्ड ज्यादा ब्रीड्स में, स्टैंडर्ड ब्रीड्स में कम क्यों है और ये नाम निहाद फेक ब्रीड्स में ज्यादा क्यों है? है। ये नाम निहाद कसूरी में, नाम निहाद सियालकोटी में, नाम निहाद फिरोजपुरी में, जी इनमें जाया होने की जो उनसी है वो रेशियो क्यों है? जी क्योंकि इनके बैक के ऊपर जीन्स किसी एक सेट स्टैंडर्ड पे एस्टेब्लिश ही नहीं है। जी बहुत ज्यादा वीक स्ट्रक्चर पे ये लोग आगे बढ़ते गए हैं। इन्होंने अपना जो जीन पूल है उसको सिलेक्टिव तरीके से प्रॉपर नहीं किया, बहुत ज्यादा मिक्स्ड जीन एग्जैक्टली पूल के ये बर्ड्स हैं। तो कौन से टाइम पे कौन सा जीन किक इन करता है इनको खुद को आइडिया नहीं है, और इसमें क्या है बहुत ज्यादा मिस होता है। सही बात है। तो आपने फिर अभी बेचारे जी बेचारे जी पर मिलाते रहते हैं, जोड़ मिलाते रहते हैं, फिर भी बच्चे जाया हो जाते हैं।